आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है 500 प्रश्नों के साथ। ठीक है, आज हमारा ज्योग्राफी की क्लास में ये जो 500 प्रश्न मैं कराने वाला हूँ आज, उसमें मेरा ये पहला क्लास है। ठीक है, यदि आप ज्योग्राफी की क्लास टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है। तो आप चैनल पे क्लिक करिए, वहाँ से आपको एक प्लेलिस्ट का फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाएंगे तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से ज्योग्राफी की क्लास टॉपिक वाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ इस क्लास में मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं यदि आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि आपने एसएससी जीडी का जो जीएस का मेरा क्लास देखा है और जीके का, उसमें क्वेश्चन की जो संख्या काफ़ी कम रहती है, क्योंकि खुद से टाइप करते हैं। ठीक है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे को भी खुद का पढ़ना रहता है, काम रहता है, तो ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए मैंने फ़ोटो लगा दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करा सकूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम किसी तरह ना प्रैक्टिस कर लें, तो जो हमारा है वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा। तो यदि आप वो रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्लास होने वाला है। तो आप इस चैनल के माध्यम से जीएस, जीके और मतलब सब्जेक्ट वाइज जो जीके है उसको भी आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज इस ज्योग्राफी की क्लास को यदि आप देख रहे हैं तो कल भी इस क्लास को देखिएगा, ये कंटिन्यू क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है, पाँचवा, छठा, सातवा या आठवा? तो ये सातवा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारतवर्ष आकार में विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है, छठा सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, ओपेक में से कोई नहीं। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, ये सभी आप लोगों को पता होनी चाहिए और पता होगी भी। रिवीजन के लिए मैंने सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं ताकि आप बेसिक से रिवीजन कर सकें। तीसरा प्रश्न है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, राजस्थान, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको टिक लगाने होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार, झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे डिटेल बी है, उसको पढ़ लीजिए। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अंततः वर्तमान में उपयोग दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही होगा। मैंने बताया कि जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के हिसाब से हमें छांटना रहता है, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही था, बिहार झारखंड से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यदि अभी जो मैंने प्रश्न कराया उसको आपने ध्यान से किया मतलब सुना होगा तो आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे जाएंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4। तो यहाँ पे गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप सभी को पता है गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, इन सभी से होकर गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने से? अभी मैंने आपको बताया था कितने से, 8 से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झारखंड से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, जब जहाँ भी नहीं आ जाया करे तो थोड़ा ध्यान से देख लिया करिए क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि मेरी आदत अभी भी है कि मैं क्वेश्चन को कहीं पढ़ता हूँ तो नहीं हमारा गायब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें बता देनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लिया करिए, ठीक है? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गांधीनगर या कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न को। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, माही नदी। यह कर्क रेखा को दो बार पार करती है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद नैनी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर। थे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद नैनी। मैं आपको बता दूं आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे और तो आपको पता ही होगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ठीक है? नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जब तक मैं ज्योग्राफी की क्लास कराऊँगा पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ मतलब याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैंने इस प्रश्न का आपको बता दिया, इलाहाबाद नैनी से भारतीय मानक समय IST लिया जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है? कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर, पॉइंट कालीमेर पर। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कहाँ पर? कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर, पॉइंट कालीमेर पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट पर। आगे देख लेते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बड़ा निकोबार। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कौन सा जगह है? तो वो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है? चलिए फिर से बताता हूँ, भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसमें आपका कन्याकुमारी आंसर सही हो जाएगा। एक मिनट के लिए आप सभी रुक जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन करें, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। देख लीजिए कितनी बार प्रश्न को पूछा गया है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मणिपुर से बांग्लादेश की जो सीमा है वह नहीं मिलती। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेघालय। आगे देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती हैं? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिक्किम बिहार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है डुरंट रेखा पर, मैकमोहन रेखा पर, मैगिनॉट रेखा पर या रेड क्लिप रेखा पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, रेड क्लिप रेखा कौन सी है? अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा, रूस फिनलैंड सीमा रेखा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का। क्वेश्चन कह रहा है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा का। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिप रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। फिर से मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन को, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? तो मैकमोहन रेखा करता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत क्या करिए, आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट दिया जाए। ठीक है, और आपको रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो, ये मेरा उद्देश्य रहता है। आप लोग जब तक लाइक नहीं करते हैं तो वो जो मोटिवेशन है वो मिल नहीं पाता है। तो आप लोग मत क्या करिए ऐसा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप तो होगा ही, वहाँ पे एक बार ज़रूर शेयर कर दिया करिए। मैं आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगता हूँ, लाइक शेयर कमेंट मांगता हूँ, वो आपसे हो नहीं पाता है। तो बार बार कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ कर दिया करिए, यदि लगता है आप मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का यह क्लास आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी थी, और कुछ सुझाव हो तो भी आप दे सकते हैं, और कुछ पूछना हुआ करें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया है एसएससी जीडी की जो जीएस की क्लास है, जीके की क्लास है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और वहाँ पर ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज क्लासेस
इंडियन पॉलिटी, बहुत सारी क्लासेस मैंने वहाँ पे कराया हुआ है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जब चेक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, करंट अफेयर्स अपडेट जो कि 2 से 3 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, उसको भी आप लोग जरूर देखा करिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 6:30 बजे, 6 बजे या 6:30 बजे के बीच में क्लासेस अपलोड कर दी जाती है करंट अफेयर्स का, तो उसका भी आप लोग वीडियो जरूर देख लिया करिए। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।